हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुक हाउस। आज हम बनाएंगे घर के एकदम बेसिक मसाले से बहुत ही डिलीशियस भरवा परवल। तो चलिए फिर बिना देर के इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 10 से 12 परवल। तो ये थोड़े बड़े साइज़ का परवल है। अब हम एक एक परवल लेंगे और इसके साइड्स को ऐसे कट कर लेंगे। कट कर लेने के बाद हम इसको नाइफ़ की हेल्प से हल्का सा स्क्रैच करके इसको छील लेंगे। तो हमें किसी छिलनी या पिलर का यूज़ नहीं करना इसको छीलने के लिए, बस नाइफ़ की हेल्प से हल्का सा स्क्रैच कर दीजिए और ये आसानी से छिल जाता है। तो हम इसी तरीके से बाकी के भी सारे परवल छिल के तैयार कर लेंगे। और जब भरवा परवल बनाना हो तो कोशिश करके आप बड़े परवल का ही यूज़ करिए, जिससे उसमें आप अच्छे से स्टफिंग कर सकें। तो ये मैंने सारे परवल को छील लिया है, तब हम इसको काटेंगे। तो काटने के लिए हम नाइफ़ की हेल्प से सिर्फ इसके एक साइड को काटेंगे और एक साइड से जुड़े रहने देंगे। इसी तरीके से आप भी काट लीजिए, मतलब हमको पूरा इसको काट के अलग नहीं करना है, बस बीच में एक चीरा लगाना है। और नाइफ़ या स्पून की हेल्प से आपको जैसे इजी पड़े आप इसके बीज का बीज निकाल लीजिए। और बीज निकाल लेने के बाद हमें इसे फेंकना नहीं है, हमें आगे इसको स्टफिंग में यूज़ करेंगे। बस एक एक परवल में ऐसे ही बीच से चीरा लगा लीजिए और इसके बीच में से बीज निकाल के इसको खोखला कर लीजिए। तो बस मैंने ये सारे परवल में से अच्छे से बीज निकाल लिया है और ये जो सॉफ्ट वाला बीज था इसको हमने स्टफिंग में यूज़ करने के लिए काट लिया है और जो टाइट वाला बीज है हम इसको हटा देंगे। तो अब हमें इसकी स्टफिंग बनानी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून तेल गरम किया है। इसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून जीरा। जीरा जैसे ही चटक जाए हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कूटा हुआ अदरक और लहसुन और इसको हम ऐसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो आप कूटे हुए अदरक लहसुन की जगह जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और जब ये भुन जाए 1 मिनट तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज और इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखिए और ऐसे ही चलाते हुए इसको पका लीजिए। यहाँ पे मैं हरी मिर्च यूज़ कर रही हूँ, तो मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी। आप जब जिंजर गार्लिक ऐड करते हैं उसी टाइम हरी मिर्च भी ऐड कर दीजिए, आप भी मेरी तरह भूल मत जाइए। बस 3 मिनट पक जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने परवल का बीज निकाल के रखा था उसको। इसको भी हम मिक्स करते हुए और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। दो मिनट पक जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और 1 टीस्पून के करीब कसूरी मेथी। और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए और 2 मिनट पकाएंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो स्टफिंग अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम एक एक परवल लेंगे और स्पून की हेल्प से हम इसको स्टफ कर देंगे। तो बस एक एक परवल लीजिए और अच्छे से इसको स्टफ कर लीजिए।
सारे परवल को मैंने स्टफ़ कर लिया है, तो अब हमें इसे पकाना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून तेल गरम किया है। अब हम इसमें एक एक करके परवल रख देंगे और जो परवल का कटा वाला भाग है हम उसको ऊपर रखेंगे। और इसके बाद हम इसको ढक के 2 मिनट के लिए ऐसे ही लो फ्लेम पे पकाएंगे। 2 मिनट बाद हम पैन का ढक्कन हटाएंगे और इसको दूसरी साइड पलट देंगे। फिर दोबारा से पैन का ढक्कन लगा देंगे और फिर 2 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे। तो 2-2 मिनट बाद हम इसको चारों तरफ से ऐसे ही उलट पलट के पका लेंगे। अब ये हमारा परवल अच्छे से एकदम बन के तैयार है, तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसको सर्व करेंगे। आप इसको रोटी या पराठे किसी के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। आपको रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।